नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सितारगंज टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। आज देश के साथ साथ उत्तराखंड की खबरों पर नजर डालेंगे। उत्तराखंड के देहरादून में खतरनाक एस्परजिलस फंगस ने दी दस्तक, इम्यूनिटी कम होने पर दिखा घातक रूप। अस्पताल में भर्ती राम रहीम से मिलने पहुंची हनीप्रीत, बनवाया अटेंडेंट का कार्ड। दिल्ली में जहां वोट वही वैक्सीन स्कीम, आज से सीएम केजरीवाल का ऐलान, घर घर जाएंगे कर्मचारी। कोरोना की दूसरी लहर में उत्तराखंड लौटे लोगों के आंकड़ों में झोल, मेल नहीं खाते पलायन आयोग और पंचायत विभाग के आंकड़े। मनमुटाव, टकराव या अफवाह, यूपी में सीएम योगी को लेकर आखिर चल क्या रहा। उत्तराखंड के सुचिता तिवारी अस्पताल को पीएम केयर्स फंड से मिले पोर्टेबल वेंटिलेटर, हुए खराब। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में बारिश के आसार, पहाड़ी दरकने से गंगोत्री हाईवे सुनगर में बंद। उत्तराखंड के नेपाल सीमा से लगी एसएसबी की 10 बीओपी होगी जगमग, बिजली विभाग ने पूरा किया सर्वे। ऊर्जा संरक्षण और जल संरक्षण के क्षेत्र में वाराणसी पूर्वोत्तर रेलवे मंडल अव्वल नंबर पर। सीएम योगी के लिए ट्वीट करने पर मिलते हैं 2 रुपए, क्लिप वायरल होने पर 2 लोग अरेस्ट। ऑरेंज बिकनी पहन जानवी कपूर ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा। उत्तराखंड का तेजी से बढ़ता हुआ ट्रेंड, सितारगंज टीवी में आपको लोकल की खबरें, स्पेशल बुलेटिन, मनोरंजन के साथ ही देश दुनिया की बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी। तो सितारगंज टीवी को YouTube पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ हमारे चैनल को Facebook पर भी फॉलो करें ताकि आप हर अपडेट से